आपको सूरत के एक चाइना टाउन के शॉप पे लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे बहुत ही बल्क प्रोसेसिंग में मंचूरियन बनाई जाती है। तो ये भाई साहब अभी देखिए कितने बल्क प्रोसेसिंग में कैबेज की कटिंग हो रही है। चार चार जन यहाँ पे काटने के लिए कैबेज बैठे हैं। अब देखिए कैबेज की कटिंग हो चुकी है, उसे एक कैरेट में भर रहे हैं। ये देखिए कैरेट में उन्होंने भर लिया है, काफी बल्क प्रोसेसिंग में बनाई जा रही है। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चार कैरेट भर के रखे हैं, ये हमारा पांचवा कैरेट आ रहा है। ये हमारे इसमें अभी डाल दिया, ये मंचूरियन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए सेकंड कैरेट आ चुका है, ये हमारा नमक आ गया। अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे भाई। अब देखिए कितनी ताकत लग रही है उनकी मिक्स करने में, ये बहुत ही बल्क प्रोसेसिंग में बनाने वाले मंचूरियन आ गए। ये आ गया मैदा, 50 किलो मैदा पूरा डालेंगे इसके अंदर। पीसे भी एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे भाई। ये भाई इतने सारे इतनी क्वांटिटी में मिक्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये कितना अच्छे से मिक्स करते हैं, दिन में कम से कम ऐसे ये 7 से 8 बार मिक्स करते हैं भर भर के पूरा। ये देखिए मिक्स हो चुका है, काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स किया भाई ने। ये देखिए मिक्स हो गया है, रेडी हो चुका है ये अभी। अब हम ये भट्टी चला दिए हैं, हमने कढ़ाई रखी, अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। काफ़ी बल्क क्वांटिटी में ऑयल भी देखिए पूरा 2-3 खाली कर दिया मैंने। देखिए चालू हो गया प्रोसेसिंग। ये इनकी स्टाइल देखिए मंचूरियन की, और जो रोल रोल बना के डालते हैं, इनकी स्टाइल देखिए काफ़ी यूनिक स्टाइल है ये। सिर्फ आपको सिर्फ ये यहाँ पे ही दिखेगा, सूरत के चाइना टाउन के स्टॉल पे ही दिखेगा, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। ये चार चार जन एक कढ़ाई पे लगे हुए हैं, देखिए 3 भट्टी चलती है इनकी। ये हमारा मंचूरियन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, काफ़ी क्रंची मंचूरियन होता है इनका, देखने में ऐसे लग रहा है। ये देखिए हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है, हम इसे खाली कर देंगे, कढ़ाई से निकाल लिए हैं। दूसरा कैरेट आ गया हमारा, अभी हमने तीसरी कढ़ाई के पास जा रहे हैं। ये देखिए हमारा मंचूरियन रेडी हो चुका है।